आज फाइनली एग्जाम है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। यस चलो। वैसे मैं एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। काम करती हूँ, एग्जाम के लिए चंपू लुक कर लेती हूँ, ये सही रहेगा। इतना चंपू बिलो स्टैंडर्ड, नो वे। परफेक्ट। वैसे एग्जाम के लिए ये लॉन्ग पेन, इतनी तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड के साथ सेटिंग करने के लिए षड्यंत्र भी तो करना है। हाँ सुन, तू और मैं एक ही सेंटर पे है, ठीक है? अगर इन केस मुझे तुझे कुछ पूछने की जरूरत पड़े या तुझे मुझे कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी तो तू क्या करेगी? सीधा खांसना। कैसे? मतलब इन्विजिलेटर को भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है? और बेटा मैं ऐसे लुक में आ रही हूँ ना एग्जाम सेंटर पे कि इन्विजिलेटर को भी लगेगा कि मैं कितनी पढ़ाकू लड़की हूँ। वैसे तो मेरा सब हो गया है, ठीक है, बाय। ऐसा लग रहा था इसकी सारी पढ़ाई हो चुकी है और मेरा क्या होगा। वो थियोरी क्या थी? टाइम पे कुछ भी याद नहीं आता। भगवान, मैंने आपकी लॉकडाउन में सारी सीरियल्स देखी है, प्लीज बचा लेना कुछ भी करके। अरे टाइम हो गया, चलो आई हैव टू लीव। थैंक गॉड टाइम पे पहुंच गई। देखो याद है ना मैंने फोन पे क्या बोला था? आ गई मैम। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू मैम। वैसे मेरा रोल नंबर क्या है? हाँ याद आया। आंसर शीट हो गई फिलअप। थैंक यू मैम। जिंदगी की दास्तां कर रहे हैं हम बयां कि आप बीती है अब क्या पेपर को बस निहारती रहेगी? जल्दी जल्दी लिख सरिता, टाइम मत वेस्ट कर। जलाओ शाम जलाओ, चारों दिशाओं को महकाओ, देव दर्शन झूलो। इसके आगे क्या था? क्या है इसके आगे? One hour completed. कितने जल्दी टाइम खत्म हो जाता है समझ में नहीं आता।
क्या था यार क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन दे देते, पता है क्या, उनको भी नहीं समझता हूँगा। क्या है अपन कर, चल इधर उधर देखते रहते बस। चलो वाह, मेरा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो ही रहा है, लिख के आंसर। वैसे क्वेश्चन और आंसर तो सही है ना, मैं अलग ही आंसर लिख दूंगी और क्वेश्चन रहेगा कुछ अलग ही। इससे अच्छा मैं चेक कर ले तू एक बार। ओ नो, गई भैंस पानी में। मंगल भवन अमंगल हारी, हो सुदशरथ अजीर बिहारी। अब क्या फायदा, अरे शक्तिमान अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। पुने पुने के तेरे हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। अरे वाह मैम चली गई। अबे देख, फिफ्थ के सेकंड का पता क्या है? अरे पहले तू बता, अरे फिफ्थ के टू का पहले तू बता, ऐसे खींच के दूंगी ना। चल क्या है, परेशान करते रहते। 5 minutes left। Hello everyone, thank you so much for watching this video till now and I'm so happy that you watched this video. I hope I really made you smile. ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो बेचारे इस लॉकडाउन में पढ़ते जा रहे हैं और बेचारों के एग्जाम का कोई अता पता नहीं है, पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, एग्जाम या डिग्री ऐसे ही मिल जाए। आई होप आपको ऐसे मिल जाए डिग्री। आई मीन आपकी ये पहली सुपर बैच होगी जिसमें बिना किसी एग्जाम दिए आप लोग पास हो जाओ। इट्स सो हैपनिंग राइट, आई मीन देखते हैं। बट साथ ही में ये भी है कि पता नहीं है तो गाइस एग्जाम दो, बट स्कूल्स है जो ले रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स, आई नो दैट। सो आई जस्ट विश गुड फॉर यू एंड स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक दैट एंड लाइक दिस वीडियो इफ आई मेड यू स्माइल। एंड ऑल्सो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो थोड़े बहुत भी लोग बेचारे मेरे इस पर कॉमेंट कर देते हैं मेरे बोलने के बाद। आई मीन अभी इतनी फेमस यूट्यूबर मैं हूँ नहीं, सो जितने लोग मेरा फिलहाल देखते हैं और कमेंट करते हैं वक्त निकाल के लिए थैंक यू। बट उसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जो पूछती हूँ भाई उसके लिए तो कमेंट कर दो। मैं बोलती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगा, मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वीडियो, मोस्ट फनीस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो अच्छा लगा वो बता दो, अलग ही कॉमेंट दे देते हो। स्टिल एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ लव एंड जॉय। सैसी सही, हाफ हाथ नहीं है गाइस, मेरा एक हाथ मोबाइल पकड़े हुए है, सो आधा हाथ उधर से बना के भेज दिए और मैं इधर से बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।